हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिजाइन योर ड्रीम्स। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास टू के बच्चों के लिए इंग्लिश ग्रामर की कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट। इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स को इंक्लूड किया है, जिसे फॉलो करके आप बच्चों को एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से हमें अपने बच्चों को सिखाना है। फर्स्ट वर्कशीट है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रीपोजिशंस। यहाँ पर बच्चों को प्रीपोजिशन सिलेक्ट करके करेक्टली फिल करना है। जैसे फर्स्ट हम रीड करते हैं, बर्ड्स फ्लीव डैश द रूफ। सो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ओवर द रूफ या इन द रूफ? करेक्ट आंसर विल बी ओवर द रूफ। बर्ड्स फ्लीव ओवर द रूफ। थर्ड इज डू नॉट रन डैश द क्लासरूम। इन द क्लासरूम और ऑन द क्लासरूम? करेक्ट आंसर विल बी इन द क्लासरूम। फोर्थ हम देख लेते हैं, लुक डैश द फ्लावर्स। लुक एट द फ्लावर्स और लुक इन द फ्लावर्स? करेक्ट विल बी एट, लुक एट द फ्लावर्स। इसी तरह से लास्ट वाला भी हम सॉल्व कर लेते हैं, द काउ इज स्टैंडिंग डैश द ट्री। Under the tree or above the tree? Correct answer will be under the tree. इस तरह से बच्चों को करेक्ट प्रीपोजिशंस फिल करना है। सेकेंड वर्कशीट इज मैच विद द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पर बच्चों को करेक्ट आर्टिकल के साथ मैच करना है। तो इसमें आप बच्चों को ना ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करें। उन्हें आप कहें कि अगर किसी वर्ड का स्टार्टिंग साउंड हिंदी के कॉन्सोनेंट क ख ग से लेके ज्ञ तक का आता है, तो उस वर्ड के आगे उन्हें ए लगाना है। और अगर किसी वर्ड का स्टार्टिंग साउंड हिंदी के वोवेल अ आ इ ई अ से लेके अह तक का आता है, तो उस वर्ड के आगे उन्हें एन लगाना है। और स्पेसिफिक यूनिक चीज के आगे उन्हें द का इस्तेमाल करना है। तो आप इसी तरह से बच्चों को इसे एक्सप्लेन करें। जैसे सन, सन क्या है? यूनिक है। तो यूनिक के लिए हम क्या लगाते हैं? द, द सन। तो यहां पर हम द के साथ मैच कर लेंगे। हाउस, हाउस बोलते समय कौन सा साउंड आ रहा है? ह, हिंदी के कॉन्सोनेंट ह का साउंड, यानी कि हमें ए लगाना है, ए हाउस। अम्ब्रेला, इसमें अ का साउंड आ रहा है, यानी कि हिंदी के वॉवेल अ का, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? एन अम्ब्रेला। फैमिली, फ का साउंड आ रहा है, यानी कि हिंदी के कॉन्सोनेंट, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? ए फैमिली। ताजमहल, एक है, यूनिक है, तो यूनिक चीज के लिए हमें द का इस्तेमाल करना है, द ताजमहल। लास्ट वन इज बुक। बुक बोलते समय ब का साउंड आ रहा है, यानी कि हिंदी के कॉन्सोनेंट ब का, तो हम इसके लिए ए लगाएंगे, ए बुक। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट फॉलो करके आप बच्चों को आर्टिकल्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं और वो बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट वर्कशीट है फिल विद सुटेबल जॉइनिंग वर्ड्स। जॉइनिंग वर्ड्स जैसे सो एंड बट और, ये जो जॉइनिंग वर्ड्स है इसे बच्चों को करेक्ट प्लेस पर फिल करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से इसे हमें फिल करना है। द टीवी इज ऑन डैश वी आर नॉट वॉचिंग इट। टीवी चालू है लेकिन हम इसे देख नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर हम रीजन दे रहे हैं। तो कौन सा जॉइनिंग वर्ड हम यहाँ पर लगाएंगे? बट। टीवी इज ऑन बट वी आर नॉट वॉचिंग इट। सेकेंड इज रवि डैश राज आर ब्रदर्स। सो यहाँ पर दो लोगों को हमें ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर कौन सा ज्वाइनिंग वर्ड लग जाएगा? एंड। रवि एंड राज आर ब्रदर्स। इट्स रेनिंग डैश आई नीड एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पर बारिश हो रही है इसीलिए मुझे छाता चाहिए, तो यहाँ पर हम कौन सा जॉइनिंग वर्ड लगाएंगे? सो। इट्स रेनिंग सो आई नीड एन अम्ब्रेला। नंबर फोर इज वुड यू लाइक सम टी डैश कॉफी। यहाँ पर हम ऑप्शन दे रहे हैं, तो ऑप्शन के लिए हम लगाएंगे और। नेक्स्ट इज आई बॉट न्यू टॉयज फॉर मी डैश माय सिस्टर। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एंड। आई बॉट न्यू टॉयज फॉर मी एंड माय सिस्टर।
है ना बिल्कुल आसान। तो ऐसे ही हमें सेंटेंस को समझना है और करेक्ट प्लेस पर जॉइनिंग वर्ड्स फिल करना है। नेक्स्ट वर्कशीट है मैच विद द करेक्ट शॉर्ट फॉर्म्स। यहाँ पर हमें करेक्ट शॉर्ट फॉर्म्स के साथ मैच करना है, जैसे इज नॉट, इज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, इजंट, आर नॉट, आरंट, डिड नॉट, डिडंट, डज नॉट को डजंट, इस तरह से। आगे हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट वर्कशीट देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट इज सर्कल द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पर बच्चों को करेक्ट वर्ब सिलेक्ट करना है और उसे सर्कल करना है। इसमें आप बच्चों को बहुत आसानी से सिखाएं, आप उनसे कहें कि अगर दिया गया वर्ड प्लूरल है तो उन्हें वर्ब एज इट इज यूज करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, और अगर दिया गया वर्ड सिंगुलर है तो उन्हें वर्ब में यस या ईएस का यूज करना होगा। तो किस तरह से उसे सॉल्व करना है हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, जैसे पैरट्स ईट और एट्स चिलीज। तो यहाँ पर पैरट्स क्या है, प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल वर्ड है तो हम वर्ब एज इट इज यूज करेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एट, तो इसे हम सर्कल कर लेंगे। एनिमल्स नीड और नीड्स वाटर टू लिव, तो यहाँ पर भी दिया गया वर्ड प्लूरल वर्ड है तो हम वर्ब में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, हम एज इट इज यूज करेंगे। एनिमल्स नीड वाटर टू लिव, तो हम नीड को सर्कल कर लेंगे, ठीक है ना। थर्ड हम देख लेते हैं, द अर्थ गोज अराउंड द सन। द अर्थ सिंगुलर वर्ड है तो सिंगुलर वर्ड के साथ हमें यस या ईएस का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट वर्ब कौन सा हो जाएगा, गोज, द अर्थ गोज अराउंड द सन, तो गोज को हम सर्कल करेंगे। एन एलिफेंट ग्रोज टू बी 12 फीट टॉल, तो यहाँ पर एक एलिफेंट यानी सिंगुलर के बारे में बात हो रहा है तो सिंगुलर के साथ हम ग्रोज लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट दी फुल फॉर्म्स ऑफ दी अंडरलाइंड वर्ड्स। यहाँ पर जिन वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन किया गया है उसका फुल फॉर्म बच्चे को लिखना है, जैसे फर्स्ट है आई एम इन माई क्लास रूम, सो आई एपोस्ट्रोफ एम को हम फुल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आई एम, शी इज अ डॉक्टर, सो यहाँ पर हो जाएगा शी इज, यू आर राइट ऑन टाइम, यू आर, ठीक इस तरह से। नेक्स्ट वर्कशीट इज अंडरलाइन दी वर्ब्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो भी सेंटेंस है ना उसमें जितने भी वर्ब्स हम देख रहे हैं उसके नीचे हम अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं नमिता सिंग्स ऑन द स्टेज, तो इसमें वर्ब कौन सा है, सिंग्स, तो इसके नीचे हम अंडरलाइन कर लेंगे। माई मदर गोज टू ऑफिस, गोज इज अ वर्ब। राज ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे, ड्रिंक्स इज अ वर्ब। द मून शाइन्स एट नाइट, इसमें वर्ब कौन सा है, शाइन्स। इस तरह से जिसमें भी हमें कुछ एक्शन का पता चल रहा है वो सभी वर्ब्स हैं, उसके नीचे हमें अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट वर्कशीट इज सर्कल द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। यहाँ पर ना बच्चों को करेक्टली हैज हैव का इस्तेमाल करना है और उसे सर्कल करना है। हैज हैव हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इनका इस्तेमाल हम कब करते हैं, व्हेन वी हैव टू शो एन आइटम्स आर बिलोंग्स टू समवन और समथिंग, जब कोई चीज किसी से बिलोंग करती है, जैसे सोनिया हैज और हैव अ स्मॉल फैमिली, तो सोनिया क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे, तो इसीलिए हम हैज को सर्कल करेंगे। सोनिया हैज अ स्मॉल फैमिली, सोनिया का एक छोटा परिवार है। आई के साथ हम हैज नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, हैव। आई हैव टू लिसन टू माई टीचर्स। ए पीकॉक हैज हैव ब्यूटीफुल फेदर, ए पीकॉक सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम हैज लगाएंगे। मोर के सुंदर पंख होते हैं। करण हैज फीवर, इस तरह से बच्चों को करेक्टली हैज और हैव को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट वर्कशीट है एड आईएनजी टू द फॉलोइंग वर्ब्स। यहाँ पर बच्चों को आईएनजी का इस्तेमाल करते हुए फिर से वर्ड को लिखना है, जैसे सिट
प्लस आईएनजी। तो जब हम आईएनजी लगाएंगे ना तो हम डबल टी लगाएंगे, एस आई डबल टी आई एन जी सिटिंग, पी यू टी पुट प्लस आईएनजी। तो इसे हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हुए कैसे लिखेंगे, पी यू डबल टी आई एन जी। इस तरह से आप बच्चों को स्पेलिंग जरूर याद कराएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। तो आप बच्चों को स्पेलिंग लर्न कराएं कि कहां पर उन्हें लास्ट लेटर को रिपीट करना है। जैसे रन प्लस आई एन जी, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, आर यू डबल एन आई एन जी रनिंग, हिटिंग एच आई डबल टी आई एन जी। इसी तरह से हम यहां पर भी देख लेते हैं, मेक प्लस आई एन जी। तो आई एन जी का इस्तेमाल जब हम करेंगे ना तो हम ई को ड्रॉप कर देंगे, तो एम ए के आई एन जी मेकिंग, लाइकिंग एल आई के आई एन जी। ऐसे ही हम इसे भी लिखेंगे, इसमें भी ई ड्रॉप हो जाएगा, टी ए के आई एन जी टेकिंग, गिविंग जी आई वी आई एन जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसकी प्रैक्टिस बच्चों को जरूर कराइएगा, बिल्कुल इस तरह से। सो फ्रेंड्स, ये रही हमारी इंग्लिश की कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट, इसका सेकंड पार्ट भी आपको जल्द से जल्द मिलेगा। आई होप आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।